लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। युवा पीढ़ी को आगे लाने का काम अर्चना योगांतत बखूबी कर रही है। हर साल के भांति इस साल भी 16 मई को अपोलो हॉस्पिटल में नए जनरेशन को सही रास्ते पर लाने के लिए एक सेमिनार रखा जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। इस सेमिनार में अपोलो, सफदरजंग, एम्स और भी जगह जगह से वैज्ञानिक को बुलाया गया है। इस प्रोग्राम में अहम भूमिका डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी को सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि सेमिनार में वेस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुधीर त्यागी भी मौजूद रहेंगे। इस सेमिनार में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए संपर्क सूत्र पे यानी मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए विशेष जानकारी देखिए हमारी इस रिपोर्ट। मई को जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में बताएं कि वो प्रोग्राम क्या है और क्या उसमें खास आप करने वाले। प्रोग्राम हम लोग 16 मई को हर साल करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का जो सेमिनार करते हैं। विषय अलग अलग होता है, जैसे कि हमारा सन पिछले साल में हमने किया था कि योग का प्रॉक्टिविटी के पीछे क्या वैज्ञानिक पहलू है, साइंस बिहाइंड नेचुरोपैथी इन योगा। उस पर हमने सेमिनार किया था जिसमें दुनिया के जाने माने योग विशेषज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सक और आधुनिक वैज्ञानिक लोग जो शोध करते हैं योग पर और प्राकृतिक चिकित्सा पर, उनको हम बुलाते हैं और उन्होंने अपना अपना विचार रखा। और इससे पिछले साल हमने रखा था नेशनल सेमिनार ऑन हार्ट मैनेजमेंट, हम हृदय को किस तरह से हृदय संबंधी रोगों को हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस बार हमने रखा है कि योगा फॉर आवर जनरेशन, न्यू जनरेशन, यंगर जनरेशन हमारा जो है कि नई पीढ़ी को हम योग अगर कराएं तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। सर, जैसे कि देखा जाए कि यंग जनरेशन के जो बच्चे हो रहे हैं ये अपने सही मायने में जो जिस रास्ते पे चलना चाहिए, चाहे वो खान पान में हो चाहे वो रहन सहन पे हो, तो आपका जो ये प्रोग्राम होने वाला है इससे क्या नई जनरेशन पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसी बात को दृष्टिकोण को हमने ध्यान में रखते हुए कि आजकल की जो नई पीढ़ी है वो पाश्चात्य खान पान जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, नॉनवेज, चिकन और दूसरा और तरफ बढ़ रहे हैं। तनाव के कारण पढ़ाई का जो सिस्टम हो गया है एकदम वेस्टर्नाइज हो गया है, बच्चे तनाव में हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन, सिरदर्द, अनिद्रा और उसके बाद पाचन संबंधी गड़बड़ी के साथ स्नायु संबंधी बीमारियां, मेलबी और चिड़चिड़ापन, बहुत सारी तमाम बीमारियां होती जा रही हैं और उसके कारण बच्चे स्वार्थी, संकीर्ण होते जा रहे हैं, माता पिता की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होना चाहते हैं। और उसके बाद एक ऐसी आधुनिक परंपरा बनती जा रही है हमारे भारतीय संस्कृति को लुप्त सी होती जा रही है कि माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, दादा दादी के साथ नहीं रहना चाहते और तो और हम एक सुनते हैं कि लिविंग रिलेशन जो बिना शादी के साथ साथ रह रहे हैं और ईर्ष्या, संकीर्णता, स्वार्थ हमारी नई पीढ़ी की एक पहचान बनती जा रही है जिसको सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बोलते हैं कि जितना स्वार्थी हो बच्चा, जितना मतलबी हो, जितना किसी को धोखा दे के अपने आप को सफलता हासिल करे वो सफल माना जा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार हमारा समाज, पूरा विश्व हमारा परिवार है। माता पिता भगवान के समान माने जाते थे, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु को हम लोग दया करते थे। आज हम लोग दया भाव तो जीव जंतुओं पर छोड़िए, अपने मनुष्य पर भी नहीं रही, भाई भाई का शत्रु होता जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं क्या कि योग केवल व्यायाम न बनके, योग केवल एक साधना न बनके, योग एक ऐसी सीढ़ी बने कि नई पीढ़ी को उसमें जो वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है कि उनकी कौन सी ग्रंथि जागृत होगी, कौन से चक्रात जागृत होंगे, कौन से अंग प्रत्यंगों के साथ साथ मनोभाव में परिवर्तन आएगा, विचारों में परिवर्तन आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा। जो नास्तिक होते जा रहे हैं बच्चे उसमें आस्तिकता का भाव आए, समाज के प्रति संकीर्णता का भाव दूर होकर के समग्रता का भाव आए। और सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने ऐसा कहा कि आजकल बच्चे हैं जो माता पिता की बात नहीं मानते हैं, खाना सही से नहीं खाते हैं, नास्तिक हो जा रहे हैं, आखिर इन सब का कारण क्या है, दोष क्या है? बच्चा अगर जब पैदा होता है, अगर पैदा होते उन्हें वही संस्कार दिया जाए तो बाद में नौबत ना आए, तो आप दोष किसे देंगे, माँ बाप को या बच्चे को? बिल्कुल आपका एकदम प्रश्न उचित है और व्यवहारिक है, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, चाहे अध्यापक हैं, जितने भी समाज के वरिष्ठ लोग हैं, क्योंकि उन्होंने व्यापार के लिए
जो पिज्जा बर्गर मोमोज कौन ले आया, हम लोग ला के लिए अपने पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, नई पीढ़ी को। तो बच्चों को तो जो जिस पार्ले में सुलाएंगे, जो खाना खिलाएंगे, एयर कंडीशन में रखेंगे और जो संस्कार आप करेंगे, देर से सोएंगे, शराब पिएंगे उनके सामने, तो बच्चे कहते हैं चाहे जैसे फायदा रखू मैं, जो देखेगा वो करेगा। तो बच्चों को बिगाड़ने में हम लोगों की सारी जिम्मेदारी है। तो इसी तरह से हम लोग सोच रहे हैं क्या कि उनको बनाने में भी, बनाने के लिए भी हमें को प्रयास करना पड़ेगा। और हम ही लोग इसके लिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो योगी जन है, योग के लिए अनुभव प्राप्त किए हैं, उन्होंने निर्णय किया, हम लोगों ने पूरा योग ग्रुप ने पूरे विश्व स्तर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि समाज के कोने कोने में जाएंगे हम लोग, घर घर में जाएंगे, एक गाँव से लेकर के महानगरों तक जाएंगे, विश्व के कोने कोने में जाएंगे, और इसका प्रयास हम करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय योग फेडरेशन के जितने किसी क्वालिफाइड योग टीचर हैं, योगा प्रोफेशनल्स हैं, उनका हम सहारा लेंगे, उनके माध्यम से इस अभियान को, इस मिसाल को एक मसाल के रूप में, एक ज्योति के रूप में हम देश के दुनिया के कोने कोने में ले जाएंगे और बच्चों को ये सिखाएंगे कि वही योगा क्यों योग करना है, जिसको करने से क्या होता है। इसलिए हम सेमिनार में बहुत विश्व के स्तर के हम वैज्ञानिकों को बुलाए हैं जिन्होंने योग के ऊपर शोध किया है, अनुसंधान किया है कि कौन सा प्राणायाम करने से कौन सी ग्रंथि जागृत होती है, कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, स्राव होता है, जिससे उनके अंदर क्रूरता भाव समाप्त होकर के दया भाव पैदा हो, अपनापन भाव पैदा हो, मानवता का भाव पैदा हो, संकीर्णता का भाव दूर होकर के एक बृहत्ता का भाव पैदा हो। तो ये करेंगे जब आध्यात्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से दोनों पारंगत लोग जब उनके सामने बोलेंगे और उसमें जो भाग लेने आएंगे, तो दुनिया के जाने माने लोगों के अलावा वो लोग होंगे जो संस्थाओं का संचालन करते हैं, चाहे योग केंद्र हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे होटल हो, चाहे क्लब हो, चाहे RW के लोग हो, ताकि हम उनको सिखाएंगे तो अपने संस्थान में जाकर के बहुत सारे सैकड़ों हजारों बच्चों को अपने संस्थान के माध्यम से हो हमारे संदेश भेजेंगे, और इससे क्या होगा, एक जन जागरण पैदा होगा, एक नई चेतना जागृत होगी और एक नया जब अभियान शुरू होगा तो स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत और हमारा आधुनिकता में भी प्राचीन भारतीय संस्कृति का जागरण होगा। सर एक सवाल, जैसा कि आपने अभी बात कहे कि जन जागरूकता करेंगे, हर कोशिश करेंगे हर घर में जाए और लोगों को बताएं, और एक तरफ आप बात कर रहे हैं योगा की, तो मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, जन जागृत करना, लोगों के घर में जाना, उसे जागृत करना कि आप अपने बच्चों को इस तरह शिक्षा दें ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए, या फिर योगा के लाइन में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर देखिए, दोनों उद्देश्य, अगर योग करेगा कोई, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, शास्त्र में लिखा है युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलो भी वा अभ्यास आने सिद्धि माप होती सर्व योग स्वतंत्रता का मतलब कि योग चाहे बच्चा करे, चाहे अज्ञानी करे, चाहे ज्ञानी करे, चाहे महर्षि ऋषि करे, चाहे कोई आध्यात्मिकता से करे, चाहे वैज्ञानिकता से करे, अगर योग करेगा तो उसकी ग्रंथियां जरूर विकसित होंगी और चक्र जरूर जागृत होंगे, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक नैतिक रूप से जरूर विकास होगा, और जब विकास होगा तो उसका चारित्रिक उत्थान होगा, उसका नैतिक उत्थान होगा, उसका वैचारिक उत्थान होगा, और जब व्यक्ति विशेष का उत्थान होगा तो व्यक्ति एक समाज का इकाई है, यूनिट है। जब एक एक व्यक्ति जागरूक हो जाएगा हमारा समाज में जागरूकता की एक प्रवाह, एक धारा बन पड़ेगी, और इससे पूरा समाज स्वस्थ समाज बनेगा। तो हमारा उद्देश्य है कि योग का प्रचार हो और समाज से जागरण हो। अच्छा, कितने जगह से वैज्ञानिक आ रहे हैं आपके इस योग संस्था में जो आप 16 मई को करना चाह रहे हैं? हम विश्व स्तर के जो विज्ञान के दृष्टिकोण से योग पर जो अनुसंधान करता है हमारे देश में सबसे उत्कृष्ट है आयुर्विज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके वैज्ञानिक लोग आ रहे हैं, डॉक्टर मीता कुमार है, डॉक्टर राज कुमार यादव जी हैं, और हमारे अपोलो के एक बहुत विश्वविख्यात न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर त्यागी जी, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जाने माने विश्व स्तर के शोधकर्ता रिसर्चर डॉक्टर विक्रम सिंह, और इस प्रकार से जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, एक विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी हम वैज्ञानिकों को बुलाने के लिए प्रयासरत हैं।
इस तरह से विश्व स्तर का एक जो वैज्ञानिक पहलू सबके सामने परोसने का हमारा प्रयास है। क्या संदेश रहेगा सर 16 मई को आने वाले आपके इस प्रोग्राम के लिए? मुख्य संदेश यही रहेगा कि हम भारतीय संस्कृति को जो खो रहे हैं, हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तथा कथित आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके, हम अपनी संस्कृति को भूल करके बहुत बड़ी क्षति कर रहे हैं, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। तो हम इस योग के माध्यम से एक नई पीढ़ी को अगर हम जागृत कर लेते हैं तो हमारी नई पीढ़ी कल का जो भारत है, असली भारत युवाओं का भारत है, असली दुनिया युवाओं की दुनिया है। अगर युवा अस्वस्थ रहेगा पूरा विश्व दुर्बल हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर हम युवाओं को जागृत करेंगे, स्वस्थ करेंगे, चिंतनशील बनाएंगे, तो हम पूरे विश्व को, पूरे भारत को, गांव-गांव से लेकर के पूरे शहरों महानगरों तक हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। सर एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, जैसा कि आप योग की बात कर रहे हैं तो लोग आजकल योग एक ऐसा ट्रेंडिंग चल रहा है जो सबसे लोकप्रिय है, योग हर गली हर चौराहे पे आपको एक योग केंद्र देखने को मिलेगा, तो आप क्या मानते हैं कि आपके साथ लोग कैसे जुड़ेंगे? इतना योग केंद्र खुलने के बावजूद लोग आपके साथ जुड़े, आप में क्या ऐसी खूबी है कि आपके साथ लोग आए जुड़े? योग तो एक ही है, चाहे केंद्र हजारों लाखों, हम तो चाहते हैं कि इतना, अब मोबाइल को ले लिया, अगर एक मोबाइल रखेंगे अब केवल आपके पास ही है तो क्या उपयोगिता है, लेकिन चार लोगों के पास हो जाएगी तो आप चार लोगों के संपर्क बढ़ाएंगे, हजार लोगों के पास होगी तो हजारों संपर्क बढ़ेगा, लाखों लोगों के पास होगी तो लाखों संपर्क। सर मोबाइल में भी यही है कि आजकल जिसमें ज्यादा फीचर रहता है वही लोग आजमाते हैं, आजकल कोई 1600 सेट नोकिया का कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता। नोकिया देखिए, इसी को हम कहते हैं कि अगर अगर अम्बेसडर गाड़ी आज क्यों, या जो पुरानी गाड़ी नोकिया क्यों कही होगा? खैर गाड़ी मोबाइल की बात छोड़िए सर, लोग आपके साथ क्यों जुड़े, आप में क्या ऐसी बात है? हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, जो जरूरत है। लोग भटक गए हैं, केवल आसन को समझते हैं, योग को समझते हैं, व्यायाम है केवल, तो ध्यान है, लेकिन हम कहते हैं कि योग केवल न व्यायाम है, न केवल ध्यान है, यह बल्कि पूर्ण जीवन जीने की कला है, और जितने भी बीमारियां अगर हैं योग के द्वारा हम दूर कर सकते हैं, न केवल बीमारियां दूर कर सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं, न केवल इतना ही बल्कि हम पूरे समाज को परिवर्तित करने की, क्रांति लाने की योग में क्षमता है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी की क्षति किए, यही एक ऐसी विद्या है जो हम समाज को बदल सकते हैं, और बौद्धिक रूप से जब हम विकसित होंगे, शारीरिक रूप से विकसित होंगे, तो एक सशक्त भारत बनेगा, सशक्त विश्व बनेगा, और जो समाज में एक विघटन की अवस्था आ गई है, मतभेद की अवस्था आ गई है, योग सबको जोड़ेगा, क्योंकि मानवतावादी योग क्या करता है, योग किसी धर्म का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है, योग पूरी मानव जाति का है, मानवता के लिए, हमारे मानवता का एक प्रवाह लाएंगे, हम सब लोग मिलकर के नए राष्ट्र, नए समाज का निर्माण करेंगे, स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा और प्रेम से परिपूर्ण होगा।